बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश एपिसोड में। और ये व्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम मैं काफ़ी बिजी था, तो अभी घूमने के लिए निकला हूँ, तो सोचा इस बार व्लॉग बना देता हूँ। तो ये व्लॉग अभी तक जितने सारे व्लॉग हैं उन सबसे थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये है मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, और जिसमें मैं जा रहा हूँ दिल्ली टू मैक्सिको वाया टर्की। सो अभी मैं हूँ टर्की पे, यहाँ पे हमारा लेओवर है, और उसके बाद में हम निकलेंगे सीधे मैक्सिको के लिए। और अभी ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है एयरपोर्ट, इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ पे हमारा लेओवर है। तो लेओवर में वेट कर रहे हैं, तो सोचा थोड़ा वीडियो बना देता हूँ और आप सभी को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ के बारे में। तो जो हमारी फ़्लाइट थी वो सुबह निकली थी करीब 6:30 बजे के आसपास, और यहाँ पे हम लैंड किए हैं 10:50। 10:50 बोले तो यहाँ का टाइम, जो इंडिया और टर्की का टाइम है उसमें 2.5 घंटे का फ़र्क है यहाँ के अकॉर्डिंग। और फिर जो हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो 8:50 को होगी, और फिर हम सीधा पहुँचेंगे 14 घंटे की कंटिन्यू फ़्लाइट लेके मैक्सिको। A few moments later. तो गाइज अभी फिर टाइम हो गया है अपना जाने का, तो यहाँ पे हो रहे हैं अभी 7:15, तो 8:45 की अपनी फ़्लाइट है। जब स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी तो उसके बीच में अभी तक हम 8-9 घंटे में यहाँ पर वेट कर चुका हूँ, और 8-9 घंटे के बाद आराम से यहाँ पर रेस्ट किया। काफ़ी रेस्ट के लिए देखो काफ़ी पीछे देख रहे होगे, काफ़ी बढ़िया जगह बना रखी है, इसमें आराम से मैं अच्छा खासा रेस्ट किया। चेंजिंग रूम में चेंज वेंज करके एकदम फ्रेश हो गए, अब हम दूसरी फ़्लाइट लेने के लिए तैयार हैं। अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है D12, तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ। और भाई काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है सच में, मैं मुझे लग रहा है करीब करीब 1 किलोमीटर तो मैं अंदर अंदर चल लिया। अब 1 किलोमीटर के बाद मैं अभी भी D10 पहुँचा हूँ, यहाँ के आगे D12। चलो मेरे को दिखाई तो दे गया। हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं मैक्सिको के लिए, अभी यहाँ से निकलना है, और भाई सफ़र होने वाला है लंबा, 14 घंटे की फ़्लाइट है। तो यहाँ से पहले जाएगी टर्की से सीधे कानकुन, वहाँ पे 1 घंटे का लेओवर रहेगा, और कानकुन मतलब दूसरा सिटी है। फिर उसके बाद हम निकलेंगे सीधे मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू इस्तांबुल टू मैक्सिको सिटी ऑन ओवर द सी। उसके बाद हम पहुँचेंगे अपना साउथ अमेरिका के ऊपर होके और सीधा फिर मैक्सिको सिटी में। तो गाइस अभी मैंने मूवी स्टार्ट कर लिया, ये हेडफोन है कुछ इस तरीके के बेसिक से, और ये अपना कंबल मिला है ओढ़ने के लिए। बाकी मैं मैक टू ये मूवी देखते हुए अपना सफ़र पूरा करने वाला हूँ। तो गाइज फाइनली अब हम आ चुके हैं मैक्सिको सिटी में, ये आप देख रहे हैं हमारे होटल रूम से नज़ारा। तो कुछ अपना ऐसा रूम है, अभी हमने स्टे किया है सेरेटन, और यहाँ के बाहर रूम काफ़ी अच्छा आ रहा है। अभी मॉर्निंग है तो अभी टाइम हुआ है 6 बजे, मतलब अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। और यहीं से जो हमारा एग्जीबिशन है वो थोड़ी दूर है, करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे। बहुत सिमिलर है यार जो सिटी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर है अपने इंडिया से। आप यहाँ से भी व्यू देखोगे तो आपको कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं लगेगा। तो भाई पूरे दिन की थकान के बाद, पूरे दिन रेस्ट करने के बाद अभी हम रेडी होकर निकल रहे हैं अपने एक्सपो विजिट के लिए।
हेलो गाइस, सो वी ऑल सेट फॉर एक्सपो। अभी हम बस जाने के लिए खड़े थे तो एक सामान था वो रह गया है, अभी भाग के जाना है, वो सामान लेके आना है अपना। और बाकी थोड़ा सा टाइम से लेट भी है, पर कोई नहीं, इतना ज़्यादा लेट नहीं है, चल जाएगा। हाय गाइस, तो अभी जो हमारी ट्रिप थी मैक्सिको की, वो फाइनल मतलब फिनिश हो गई है। अभी मैं बोर्डिंग लाइन में हूँ, अभी मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया के लिए। और भाई जो हफ्ते भर की ट्रिप थी बहुत अमेजिंग थी, बहुत कुछ देखा, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस थे। और अभी मैं हूँ मैक्सिको के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, बेनिटो पारिस। और एयरपोर्ट जो है ना, मतलब बहुत बेसिक सा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बाद भी बहुत ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि नया फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और अभी देखो अपडेट दिखाऊंगा, जो टर्की से एयरलाइन है वो सच में बहुत अच्छी है। और पता है मैक्सिको में आसपास वोलारिस, फ्रंटियर, ये सारी वीवा एरोबस, ये सारी एयरलाइन देखी। तो मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में था पहले, तो ये सारी एयरलाइंस के लिए मैंने काम किया है इंडिया में बैठ के, बट यहाँ पे आया हूँ तो मैंने ये सारी एयरलाइंस लाइव देखी हैं, तो मतलब एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। मैंने क्या देखो, इतनी अच्छी तगड़ी वाली धूप आ रही है, तो फिर मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पे ना एक बटन दिया है, और जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये ना देखो लाइट ब्लिंक कर रही है, और जैसे जैसे मैं इसको दबाता जाऊँगा ना, देखो एकदम से ये जो ग्लासेज हैं वो टिंट होना स्टार्ट हो गए, और मतलब एकदम जैसे बादल हो जाते हैं ना, वो वाला सीन। लो देखो अंतर दिख रहा होगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अगर सामने अब सूरज ऐसे भी होगा ना एकदम सामने, तो भी धूप नहीं आने वाली। गेट आ गया है, मेरे को ये जो रेलिंग से होती है लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सीधा B1 पर जा रहा हूँ। बोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, और फिर अभी एक घंटा हो रहा है, एक घंटे के बाद फिर मेरे को फ्लाइट में जाने का मौका मिलेगा। अभी थोड़ी देर बैठते हैं बोर्डिंग कंप्लीट करके। सफ़र जो है पूरा हो गया है, फाइनली आई एम लैंडेड इन दिल्ली, और अभी वापस अपने घर के लिए। आई एम फीलिंग गुड गुड। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और देखो शायद फिर एक और नया ऐसा व्लॉग आए, होप सो। चलो बाय।